गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था रिलेशन क्या होता है, और फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें आपने मेनली पढ़ा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इक्वलस रिलेशन क्या होती है, उसमें आता है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस, जो आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ा है। आज मेनली पढ़ना है हमें टाइप्स ऑफ फंक्शंस। मैं आपको रिकॉल करूंगा ये फंक्शन होता क्या है। अगर हमारे पास दो सेट्स है, जो आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ा है, ए और बी दो सेट्स है, देन एफ इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब होता है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी। अगर ए के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होती है, किसमें, बी में। बी में सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, और ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए बी में, और वो इमेज यूनिक होनी चाहिए। ए को बोलते हैं डोमेन, बी को बोलते हैं कोडोमेन, और सेट ऑफ ऑल इमेजेस इन बी अंडर एफ इज नोन एज द रेंज, उसको रेंज बोलते हैं। फिर आपने 11th में टाइप्स ऑफ फंक्शन भी पढ़ा था, आइडेंटिटी फंक्शन, रैशनल फंक्शन, या आपने पढ़ा था मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, वो आपने पढ़ा है। लेकिन जो अब आपको 12th में पढ़ना है, उसमें आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है एक वन वन फंक्शन, दूसरा पढ़ना है आपको मेनी वन फंक्शन, और उसके बाद फिर बाइजेक्टिव फंक्शन। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वन वन फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में आपको पहले आएगा जो 12th में पढ़नी है, दैट इज वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, वन वन। इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन, बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, या शॉर्ट में इंजेक्शन। वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन, और इन शॉर्ट इंजेक्शन। क्या होती है इंजेक्टिव फंक्शन? ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, वट आर एंड बी, एंड बी आर टू सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स। ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज वन वन। कब होता है ये वन वन? इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी। डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए, यानी ए का कोई भी ऐसे दो एलिमेंट नहीं होने चाहिए, या मोर देन टू एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए जिनकी सेम इमेज हो। डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज वन वन, या इज कॉल्ड वन वन, इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए होता है डोमेन, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी इन कोडोमेन। ना मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं, इफ एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू। एक्स वन एंड एक्स टू आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए। तो एक्स वन की इमेज क्या होती है? एक्स वन की इमेज होती है एफ ऑफ एक्स वन, और एक्स टू की इमेज क्या होती है एफ ऑफ एक्स टू। अगर एलिमेंट्स डिफरेंट है तो इमेजेस भी डिफरेंट होनी चाहिए। एक्स वन एंड एक्स टू आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए, एंड एफ ऑफ एक्स वन एंड एफ ऑफ एक्स टू आर द इमेजेस ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू, देन दीज इमेजेस आर ऑल्सो डिफरेंट, दिस इज कॉल्ड वन। यानी ऐसे अगर हम कहेंगे, अगर ए का ए हम लेंगे, इसमें कोई भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स ऐसे नहीं होनी चाहिए जिसकी बी में एक ही इमेज होगी। हर एक की अलग अलग इमेज होनी चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। या जब हम ऐसे लिखते हैं और इक्वलेंटली, और ऐसे हम लिखते हैं इफ एक्स वन इज कॉल्ड एक्स टू, देन फॉर एफ टू बी वन वन एफ ऑफ एक्स वन मस्ट बी एफ, ऐसे हम इक्वलेंटली हम या तो ऐसे प्रूव करते हैं, लेकिन ज्यादा इजी ऐसे रहता है, और इक्वलेंटली इफ इमेजेस आर सेम, अगर इमेजेस बराबर होंगी, इफ ये दूसरा केस है, यहां तक हो गया इफ एक्स वन इफ एफ ऑफ एक्स वन इज कॉल्ड एफ ऑफ एक्स टू,
यानी अगर इमेज सेम है और अगर ये वन वन है फिर ये जो एलिमेंट्स हैं ये डिफरेंट नहीं है, देश मस्ट बी ऑल्सो सेम। और अभी हम ज्यादातर इसी का यूज करते हैं। यानी अगर आपको कोई फंक्शन प्रूव कर रहे हो क्या ये वन वन है, तो हम क्या करते हैं let f(x1) = f(x2), then we prove x1 = x2। ये भी कर सकते हैं लेकिन ये ज्यादा सिंपल है। अब मैं ये आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं क्या होता है। ये मानो ये है, ये ए है, ये बी है, ये 1, 2, 3, 4। ये फॉर एग्जाम्पल है -2, -1, 0, 1, 2, जो भी मान। मैं लेता हूं 1 की इमेज -2, 2 की इमेज 0, 3 की इमेज -1 एंड 4 की इमेज 1। ये दिस ये कोई फंक्शन f है फ्रॉम a टू। ये देखो डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज, कोई भी दो ऐसे दो एलिमेंट्स या ज्यादा नहीं है जिनकी सेम इमेज है। 1 की -2, -4 किसी की इमेज है नहीं, जो डिफरेंट एलिमेंट्स है इनकी डिफरेंट इमेजेस हैं। ये होता है वन वन फंक्शन। और अगर मैं यहां पर और एक लेता हूं, ये फॉर एग्जाम्पल x, दिस इज y एंड g, यहां पर f इज वन। अगर g है यहां पर, ये है a b c d और y है x y z, a की इमेज x, b की इमेज y, c की इमेज y एंड d की इमेज z, क्या ये वन वन है? नो, इट इज नॉट वन वन, क्योंकि b की इमेज यानी जी ऑफ b जो है, जी ऑफ b भी y है और जी ऑफ c भी y है, यानी टू डिफरेंट एलिमेंट्स b एंड c हैव द सेम इमेज। ये जो फंक्शन है ये वन वन नहीं है, इसको बोलते हैं मेनी वन। क्या बोलते हैं इसको? इज नोन एज इट इज नॉट वन वन, जी इज नॉट वन वन, इज नॉट वन वन, और जो वन वन नहीं होते दैट इज कॉल्ड मेनी वन, कॉल्ड मेनी। ये होता है डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज, दैट इज वन वन। और यहां पर देयर आर टू एलिमेंट्स ऑफ एक्स विच हैव सेम इमेज इन वाई, सो इट इज नॉट वन वन, इट इज कॉल्ड मेनी वन। क्लियर? ये होता है वन वन। और मेनी वन में क्या होता है? देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट इन द कोडोमेन विच हैज मोर देन वन प्रीमेज, जैसे कोडोमेन में वाई है इसकी एक से ज्यादा प्रीमेज है, इसकी प्रीमेज बी भी है और सी भी है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं व्हाट इज मेनी वन। और सिंपली अ फंक्शन विच इज नॉट वन वन इज कॉल्ड मेनी वन। अब इसमें अभी अब एक आएगा आपको जो नेक्स्ट है हमें वो पढ़ना है, ऑन टू फंक्शन, नंबर टू ऑन टू फंक्शन। मैं इसी को ऐसे रखूंगा, ऑन टू फंक्शन नंबर टू, ऑन टू फंक्शन जिसको हम बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, इसका दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन और सर्जेक्शन। अब इसमें क्या होता है, सर्जेक्टिव फंक्शन में क्या होता है? इसमें एक इट इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इट इज कॉल्ड ऑन टू। कब होता है? बी जो है कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्रीमेज होनी चाहिए, ईच एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन मस्ट हैव ए प्रीमेज इन ए, ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन मस्ट हैव ए प्रीमेज इन बी इन ए, दैट इज, या ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज एफ इज ऑन टू इफ फॉर ईच B belong to this codomain B. There exists. ऐसे दिखाते हैं. There exists. A belong to A. Such that ऐसे ये होता है. There exists ये होता है. Such that f of A is equal to B. इसका मतलब क्या है? अगर B का कोई भी element हम लेते हैं, उसकी pre-image होनी चाहिए. जैसे ये है. ये मैंने यहां पर लिखा था f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b,
क्या ये ऑन टू है या ऑन टू नहीं है, क्योंकि टू की प्रीमेज नहीं है। यहां पर जो है एफ है, एफ इज नॉट ऑन टू, क्योंकि यहां पर देयर, यहां पर टू है जिसकी प्री इमेज ही नहीं है। हम कहते हैं फॉर ईच बी बिलोंग टू बी, यानी यहां पर ये बी है इसका टू, इसकी इसका कोई प्रीमेज नहीं है, सो इट इज नॉट ऑन टू। अगर ये हम देखेंगे एक्स की भी प्रीमेज, वाई की भी प्रीमेज, जेड की भी प्रीमेज, ये ऑन टू है, जी इज ऑन टू। हमने आ गया ऑन टू क्या होता है, ऑन टू में क्या होता है, बी के कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होती है, वही हम लिखते हैं ये। और यहां से क्या है? अगर प्री इस यहां देखो आप, इसका रेंज ये ऑन टू है ना, इसका जो रेंज है यहां पर, रेंज ऑफ जी किसके बराबर है, रेंज ऑफ जी इज इक्वल टू कोडोमेन वाई। यहां पर रेंज और कोडोमेन बराबर, यहां रेंज क्या है, रेंज यहां पर आएगा टू माइनस वन जीरो एंड वन, रेंज में टू आएगा नहीं, इसलिए ऑन टू के लिए क्या जरूरी है, रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन, इसके लिए जरूरी है फॉर एफ टू बी ऑन टू, रेंज मस्ट बी इक्वल टू कोडोमेन। क्लियर, यानी क्या होता है ये ऑन टू फंक्शन, और जो ऑन टू नहीं होता है फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू, दैट इज कॉल्ड इनटू, इनटू। जैसे ये फंक्शन, ये ऑन टू नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इनटू। ये वन वन है एंड इनटू है, ये जो है ये मेनी वन है लेकिन ऑन टू है। क्लियर, सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, दैट इज वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। अब वो फंक्शन जो दोनों जो विच इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, दैट इज कॉल्ड अ बाइजेक्टिव फंक्शन, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन या और बाइजेक्शन। नंबर थर्ड, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन और सिंपली बाइजेक्शन, यानी ए फंक्शन, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ए बाइजेक्टिव फंक्शन, इज कॉल्ड ए बाइजेक्टिव फंक्शन आर सिंपली बाइजेक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन आर बाइजेक्शन इफ एफ जो फंक्शन एफ है, एफ इज बोथ बोथ वन वन, वन वन एंड ऑन टू। अगर एफ वन वन भी है ऑन टू भी है, इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये एक देता हूं, ये ए है, ये बी है, लेट दिस बी वन टू थ्री फोर, दिस इज माइनस वन जीरो वन एंड टू। मैं लेता हूं वन की इमेज जीरो, टू की इमेज वन, थ्री की इमेज माइनस वन और फोर की इमेज टू। आप देखो ये ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस हैं, और जो कोडोमेन में एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है, यानी ये वन वन भी है और ऑन टू भी है, सो दिस इज अ बाइजेक्शन, ये बाइजेक्शन है, दिस फंक्शन इज बाइजेक्शन। बाइजेक्शन में क्या है, अगर ये कोई फंक्शन एफ है, ये बाइजेक्टिव कब होगा, ये वन वन भी होना चाहिए, देखो डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज, और इसका आप कोडोमेन निकालो, ये रेंज निकालो, रेंज में क्या आएगा, माइनस वन जीरो वन एंड बी, और वही बी के बराबर, अगर रेंज और कोडोमेन बराबर होगा तो उसको बोलते हैं ऑन टू, सो इट इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, सो इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर मैं यहां पर और एक लेता हूं, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड जी इज अ फंक्शन फ्रॉम दिस, दिस इज टू थ्री फोर फाइव, दिस इज जीरो वन टू थ्री, टू विद जीरो, थ्री विथ वन, फोर विथ टू, फाइव विथ थ्री, फाइव विथ टू। यहां पर जो ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, ये ना वन वन है ना ये ऑन टू है। वन वन क्यों नहीं है, फोर और फाइव की सेम इमेज है, और इनटू क्यों नहीं है, क्योंकि थ्री की कोई इमेज है, दिस इज नॉट ए बाइजेक्टिव फंक्शन। हाँ, अगर मैं ऐसा भी करूंगा, फाइव को लूंगा थ्री के साथ, देन इट इज वन वन एंड ऑन टू, इट इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर
ये लूंगा यहां पर, इसमें फोर भी है, अब ये वन वन है, नाउ इट इज वन वन बट इट इज नॉट ऑन टू, तो ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं। बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए क्या जरूरी है, इट शुड बी वन वन एंड ऑन टू। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कैसे आप प्रूव करोगे कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं। ये एग्जाम्पल मैं लेता हूं, लेट ए बी द सेट, सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट थ्री, एंड बी बी द सेट, सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन, एंड डिफाइन अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी बाय डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स, इसके बराबर है x माइनस टू बाय एक्स माइनस थ्री वाई एक्स इज नॉट इक्वल। ये फंक्शन है, ए इज द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट थ्री, बी इज द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन, एंड एफ इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस थ्री। वी विल प्रूव दैट एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ये मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करें। एफ इज प्रूव, f is bijective, is bijective. कैसे प्रूव करना है, प्रूफ और सॉल्यूशन हम देखेंगे। लेट x1 नॉट इक्वल टू x, पहले मैं प्रूव करूंगा नंबर फर्स्ट, पहले मैं प्रूव करूंगा f is 1 1, f is 1 1। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट f of x1 is called f of x2, ऐसे करते हैं। Where, what are x1 and x2? x1 and x2, these are the elements of P, to me, they belong to me. यानी इनकी images same है। मैंने कहा ना different elements की different images, या अगर edges में same है तो elements भी same होंगे। यहां से हमें क्या prove करना है, x1 is called x2, अगर x1 x2 के बराबर आएगा that is 1 1, this is f of x, what will be f of x1, x की जगह x1 आएगा, x1 minus 2 divided by x1 minus 3 is equal to x2 minus 2 divided by x3 minus 3। हमें प्रूव करना x1 is equal to x2, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई पे मैं डायरेक्टली करूंगा x1 into x3, ये बनेगा x1 x3 minus 3x1 minus ये x2, x1 जब क्रॉस मल्टीप्लाई x1 x2, x1 into 3 3x1 minus 2 माइनस टू एक्स टू माइनस टू माइनस प्लस थ्री टू सिक्स इज इक्वल टू, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स वन एक्स टू एक्स वन एक्स टू एक्स वन इंटू माइनस टू माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री इंटू एक्स टू माइनस थ्री एक्स टू माइनस टू माइनस प्लस सिक्स, ठीक है, एक्स वन एक्स टू एक्स वन एक्स टू कैंसल, प्लस सिक्स प्लस सिक्स कैंसल, यहां से क्या आ गया, यहां से आया माइनस थ्री एक्स वन माइनस थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू, इसके बराबर है माइनस टू एक्स वन माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू माइनस थ्री एक्स टू, ये आ गया। एक्स वन को एक साइड करो आएगा माइनस थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स वन, इसके बराबर आएगा माइनस थ्री एक्स टू, यानी एक्स वन को यहां लाया और एक्स टू को उधर प्लस टू एक्स टू, यहां से क्या आएगा माइनस थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स टू, यह आएगा माइनस एक्स वन is equal to minus x2, minus minus cancel employs x1 is equal to x2, and so if x1 is equal to x2 then x1 is equal to x2, therefore f is 1 1, f is 1 1, 1 1 कैसे हम प्रूव करते हैं, you have to let f of x1 is equal to f of x2, इसको सिंपलीफाई करो, अगर x1 is equal to x2 आ गया then f is 1 1, so here f is 1 1, now I have to show f is onto, वन वन हो गया, अब ऑन टू दिखाते हैं कैसे करेंगे। एफ इज ऑन, इसके दो तरीके हैं, मैं आपको दिखाऊंगा इसका रेंज और डोमेन बराबर है। इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन बी है, दिस हम लिखेंगे लेट वाई इज कॉल्ड एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एम्प्लॉयज वाई इज कॉल्ड एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स माइनस टू बाय एक्स माइनस थ्री। अब मुझे क्या करना है, यहां पर x का y का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x, यानी x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट। अब मैं उल्टा करूंगा, अब मैं निकालूंगा x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये बनेगा xy
माइनस थ्री वाई इसकोल एक्स माइनस टू, इसका वैल्यू निकालना है x का वैल्यू, इसलिए ये आएगा एक्स वाई माइनस एक्स इसकोल थ्री वाई माइनस थ्री वाई, उधर आएगा माइनस टू, एक्स निकालो कॉमन, यहाँ x जब कॉमन निकालेंगे यहाँ क्या आएगा y माइनस वन इसकोल टू थ्री वाई माइनस टू, थ्री वाई माइनस टू विच एम्प्लॉयज x का वैल्यू क्या आएगा थ्री वाई माइनस टू डिवाइड बाई वाई माइनस वन, लेकिन ये कब डिफाइंड है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, वाई माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो, एम्प्लॉयज x इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू डिवाइड बाई वाई माइनस वन, वाई वाई इज नॉट इक्वल टू वन। तो जो y को हम क्या वैल्यू दे सकते हैं, y को हम सारे वैल्यू दे सकते हैं एक्सेप्ट वन, इसका मतलब है रेंज ऑफ f, देयरफॉर रेंज ऑफ f जो यहां पर है दैट इज ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस वन, वन नहीं दे सकते क्योंकि अगर हम वन देंगे देन इट इज विल नॉट बी डिफाइंड। जैसे मैं आपको चलो x को वन देते हैं, यहां वैल्यू ये बनेगा वन इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू डिवाइड बाई वाई माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो दैट इज वाई माइनस वन इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू, ठीक है। यहां क्या आएगा, यहां आएगा माइनस एक्स को अगर हम देंगे वाई को हम वन नहीं दे सकते, ये बनेगा वाई माइनस वन इसको टू थ्री वाई माइनस टू, इसका वैल्यू फिर क्या आएगा, ये आएगा थ्री वाई माइनस टू वाई इसकोल टू कंट्राडिक्शन आना चाहिए, वाई इज नॉट, वाई को वन नहीं दे सकते, मैं तो वाई किसको दे रहा हूं एक्स को, सॉरी वाई को हम वन नहीं दे सकते। जैसे यहां पर मैं वाई को दूंगा वन, अगर मैं वाई को दूंगा वन या कहीं पर भी यहां वाई को दो वन, वन किसके बराबर आएगा एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये आएगा एक्स माइनस थ्री इज गॉट एक्स माइनस टू, एक्स एंड एक्स कैंसल, यहां से आएगा माइनस थ्री इज गॉट माइनस टू, इज दैट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज अ कंट्राडिक्शन, इसलिए वाई टू नहीं होना सकता है। देयरफॉर जो रेंज ऑफ एफ आएगा, रेंज ऑफ एफ किसके बराबर आएगा, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन विच इज कॉल्ड द पॉलीनोमियल एफ, रेंज इज कॉल्ड पॉलीनोमियल, वही आ गया इसके बराबर पॉलीनोमियल, जब ये पॉलीनोमियल के बराबर आएगा देयरफॉर एफ इज वन, तो एफ वन वन भी है वन टू भी है एंड एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। इसका और एक तरीका भी है, एक हो गया रेंज निकालना, दूसरा हो गया हम लेते हैं ऐसे वाई आता है वो यही आएगा, यानी हम लिखेंगे बिल्कुल यही कर रहा है, लेट वाई इक्वल टू दिस, फिर एक्स का वैल्यू निकालेंगे, फिर हम लिखेंगे फॉर ईच एक्स फॉर ईच वाई बिलोंगिंग टू बी देयर एग्जिस्ट एक्स साइज दैट एक्स इक्वल थ्री वाई माइनस टू डिवाइड बाई वाई माइनस वन, दैट्स ऑल्सो योर आंसर, वो करो या रेंज करो जैसे भी करो, सो दिस गिव्स यू दैट प्रूफ, ठीक है। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, थैंक यू।